मध्य प्रदेश का जब से गठन हुआ पहली बार मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास फंड का हमने गठन किया, लगभग 1500 करोड़ रुपए पहली बार हमने नगर निकाय को दिए हैं, और वह भी अधोसंरचना विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिसमें सड़क पानी को हमने विशेष रूप से कहा कि पानी स्वच्छ मिले, इसके लिए हमने विशेष नगर पालिका और नगर निगमों को कहा। देखिए, हमारी जो भूमिका है, आप जानते हैं कि नगर पालिका नगर निगम में चुनाव होते हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र चुनी हुई परिषद है, हम उनके डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते, पर अच्छा कार्य करें वो, उसके लिए हम लोग उनसे अपेक्षा करते हैं। तो जैसे अभी चुनाव हुए तो हम अतिशीघ्र उन सब जनप्रतिनिधियों का एक वर्कशॉप करेंगे कि कैसे आपको डेवलपमेंट के काम करना, आपके कॉरपोरेशन की इनकम कैसे बढ़ाना, जैसे डबल एंट्री सिस्टम कॉरपोरेशन के अंदर लागू करना, तो हम उनको बताएंगे कि अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता रहती है, प्लस जितनी भी हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, यदि आपको लोन लेना हो तो उनका आग्रह होता है कि जो डबल एंट्री आवश्यक है, जिससे कि पारदर्शी प्रक्रिया कॉरपोरेशन के अंदर हो और वह अपना वित्तीय सर्टिफिकेशन ठीक तरीके से कर सके। ऐसे कैसे हम उन सब लोकल बॉडीज़ की कार्य क्षमताओं को बढ़ाएं, तो हमारा काम गवर्नेंस करने का नहीं है, हमारा काम है फैसिलिटेट करने का, तो हम फैसिलिटेट करते हैं उनको समय समय पर। गवर्नेंस वे स्वयं नगर पालिका नगर अध्यक्ष मेयर्स ये लोग अपनी बॉडीज़ को करते हैं, हम उनको फैसिलिटेशन का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती, आप सब जानते हैं कि सिंहस्थ किसी भी सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि लगातार दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिंहस्थ की सुविधा करने का अवसर मिल रहा है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार दूसरी बार मैं इसका प्रभारी हूँ। इसमें चूंकि हमारे पास पर्याप्त समय था, पिछली बार आपको याद है कि सिंहस्थ का प्रभारी मुझे बनाया गया था, और सिर्फ 91 डेज का समय था हमारे पास, हम सिंहस्थ की सारी तैयारियां करें, बहुत बड़ी चुनौती थी, पर मैं उसका श्रेय खुद लेना नहीं चाहता, मैं बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं सीधा श्रेय महाकाल को देता हूँ कि वो महाकाल इतना चमत्कारिक वहाँ है जो ये सब करता है, पर उसकी सेवा करने का अवसर हमको मिलता है। हमने 2011 में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, उसके बाद संभाग आयुक्त के अध्यक्षता में वहाँ पर लोकल जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, परचेसिंग के काम हैं, वो अधिकार उस कमेटी को दे दिए। मंत्रिमंडल की एक कमेटी बनी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की कमेटी भी बनी है। वे सब विभाग जो सिंहस्थ के अंदर जिनका काम है, उन सब विभागों के प्रमुख सचिवों की भी वहाँ पर एक कमेटी बनी है। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेते हैं, मुख्य सचिव बैठक लेते हैं, मैं भी उज्जैन जाकर, चूँकि उज्जैन का प्रभारी मंत्री हूँ, वहाँ जाकर बैठ के लेता हूँ। अभी तक 1750 करोड़ के काम हमने स्वीकृत किए हैं, लगभग 75 काम हैं, और उसमें से 15 काम पूर्ण हो चुके हैं, ये स्थायी प्रकृति के हैं, सड़कों के हैं, ब्रिज के हैं, बाकी को भी हमने टारगेट दिया है कि 2015 जनवरी तक सारे काम कंप्लीट हो जाए। हमने पूरे कार्यों का एक पट चार्ट बनाया है, एक भी कार्य हमारा पिछड़ा नहीं, सब काम हमारे समय सीमा बल्कि समय से आगे चल रहे हैं। तो हमने जो टारगेट दिया उसके पहले हम जितने भी स्थायी प्रकृति के काम हैं हम सब पूरे कर लेंगे। कुछ अस्थायी प्रकृति के काम होते हैं जिसमें मेला क्षेत्र में टेंट लगवाना, हमारे सड़कों के अस्थायी सड़कों का निर्माण करना, अस्थायी पाइपलाइन बिछाना, अस्थायी बिजली की व्यवस्था करना, ये काम भी हमने टेंडर कर देंगे। अभी टेंडर की प्रक्रिया हमारी चालू हो गई है, इसलिए सिंहस्थ के काम में हम समय सीमा के पहले हम सारा काम कर लेंगे, ऐसा हमें लगता है, और उसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री चिंतित हैं, मैं भी प्रति माह उज्जैन जाकर बैठक लेता हूँ। इस बार जो सिंहस्थ हैं उसको हम एक नया आयाम दे रहे हैं, एक तो ग्रीन सिंहस्थ, ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट हो रहा है देश के अंदर, इतना बड़ा मेला जिसमें ग्रीन सिंहस्थ को हम नाम दे रहे हैं, और इसमें हम मेला क्षेत्र में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं
कोशिश करेंगे कि उसको बायोफ्यूल का उपयोग करें हम उसमें। दूसरा, प्लास्टिक प्रतिबंधित करेंगे। तीसरा, क्लीन सिंहस्थ, तो जितने भी हमारे साफ सफाई शौचालय है इसको हम विशेष फोकस करेंगे कि मेन पावर हमारे पास ज़्यादा लगे, कितने भी लोगों को वहाँ पर हम समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहेंगे, जिसमें हम बहुत बड़े एनजीओस का भी सहयोग लेंगे जो पूरे ग्रीन और क्लीन सिंहस्थ में सहयोग प्रदान करें। पिछले दिनों आप जानते हैं हरियाणा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा का नाम काफ़ी आया था। डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं वो सफाई अभियान बड़ा ज़बरदस्त चलाते हैं, आपको शायद जानकारी हो या नहीं मुझे पता नहीं। बम्बई में पिछले दिनों उन्होंने सफाई अभियान चलाया, 200,000 उनके वर्कर ने 4 घंटे के अंदर पूरे बम्बई का कचरा साफ कर दिया और टनों कचरा निकाला। तो साफ सफाई में बहुत उनका पारंगत है, उनकी एक पूरी पूरी ग्रीन फौज है, ग्रीन सेना बोलते हैं वो सेना, उनके वॉलेंटियर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं जो इसमें काम करते हैं। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि वो इस बार सिंहस्थ में साफ सफाई की जवाबदारी ले पूरे महीने भर। हमें लगता है कि सिंहस्थ मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें मेजबानी का अवसर मिलता है, हम इसको विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं। तो 3 आयाम पर हम काम करने वाले हैं इस बार। एक तो शैक्षणिक, दूसरा पर्यावरण और तीसरा धार्मिक महत्व। शैक्षणिक में हम विशेषकर सोशल सेक्टर को लेना चाहते हैं, जैसे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ एक योग मेला भी वहाँ पर लगाएंगे। तो एक सिंहस्थ को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सिंहस्थ की पहचान हो, और सिर्फ उसका धार्मिक महत्व नहीं, उसका सामाजिक और विश्व की जो समस्याएं हैं उस पर भी हम चर्चा कर सकें। एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे और उसको विश्व भर में बताएंगे कि उज्जैन के सिंहस्थ में बेटी बचाओ के लिए हम लोग ये सोचते हैं। और भी विषय हो सकते हैं, बेटी बचाओ मैंने एक उदाहरण दिया, इसके अलावा भी बेटी की शिक्षा का भी हो सकता है, और भी ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग भी सुझाव दीजिएगा, उन पर हम वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को बुलाकर और चर्चा कराएंगे। हमने इसमें देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि इन सम्मेलनों में वे आकर हमें मार्गदर्शन दें। गाँव के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, पर शहरों के लिए 52 नगर इकाइयाँ हैं, हमने उसको 2 चरणों में लिया है, और वहाँ पर निकलने वाला कचरा, वहाँ पर निकलने वाला सीवरेज का पानी, उसका डिस्पोजल, इस सब की हमने कार्ययोजना बनाई है, और उसकी कार्ययोजना बनाकर कुछ हम राज्य सरकार से और कुछ हम केंद्र सरकार से भी इसमें पैसा मांग रहे हैं। आप सब जानते हैं कि उमा भारती जी इस विभाग के मंत्री हैं और उनकी बहुत रुचि भी है, उन्होंने टारगेटेड काम दिया मुझे कि नर्मदा और शिप्रा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना हम देंगे। आदरणीय प्रकाश जी पर्यावरण मंत्री हैं, उनके साथ हम लोग पिछले दिनों बैठे थे, ताई जी ने एक बैठक रखी थी, हमें संभावना है लगभग 300 करोड़ केंद्र सरकार से भी हमें मिलने वाले हैं सिर्फ इन्हीं काम के लिए। ठीक है, ये नर्मदा नदी के किनारे जो बसे गांव हैं, जो हमारे लोकल बॉडीज़ है, उनकी एक सूची है। आगे टाउन प्लानिंग, ये टाउन प्लानिंग से संबंधित जानकारियां हैं। हम इसको थोड़ा सा और, जैसे आजकल टाउन प्लान 3D बनने लगा है, अभी तक हमारे प्रदेश में ये प्रारंभ नहीं हुआ है। हम भोपाल और इंदौर को सबसे पहले चरण में 3D प्लानिंग करेंगे उसकी। मध्य प्रदेश में अभी प्रारंभ, इसकी शुरुआत नहीं हुई है, पर दुनिया में जहां अच्छे टाउन प्लानिंग हो रही है वहां पर 3D टाउन प्लानिंग हो रही है। हम इंदौर और भोपाल को सबसे पहले 3D में करने वाले हैं।